शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस शहर में स्थानीय प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट जोन में अनाज वितरण और मियाद खत्म होने के बाद भी कंटेनमेंट जोन से बैरिकेडिंग हटाने में हो रही देरी से जनता नाखुश है। बुनियादी सुविधा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे काजीपुरा सहित गंगानगर, विट्ठल नगर और शंकर नगर निवासियों ने स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर रोष व्यक्त करते हुए सवाल खड़े किए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। एक पुरानी भारतीय कहावत है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। यह कहावत न सिर्फ भारतीय लोक मान्यता है बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के वैज्ञानिकों ने पहले ही संदर्भ में रिसर्च कर ये बात साबित कर दी है कि इंसान अगर भूखा होता है तो उसका मन अशांत है और उसके व्यवहार में बदलाव आ ही जाता है। इसी तर्ज पर बात अगर दिग्रस शहर प्रशासन और विभिन्न कंटेनमेंट जोन के नागरिकों की जाए तो भूखे पेट वाली कहावत सटीक तौर पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। आप खुद ही देख लीजिए कि अनाज के सहित बुनियादी सुविधाओं की किल्लत, प्रशासन की अनदेखी और मियाद खत्म होने के बाद भी बैरिकेटिंग में घिरे ये बेरोजगार लोग किस कदर परेशान है। लेकर पाकर गरीब सर्वे को मजूर आले, मजूरदारी तक नौकर है को आले, धंदे व्यापारी है का को आले। आज सगळे हातावर आणणारे पानावर खाणारे लोक आहेत। गौरख घरात बसून राहायचं, आम्ही बसून गौरख राहायचं। सगळे गरीब आहेत ना, एक भी जण तरी आहे का कोणाला सर्विस आहे का, कोणी धंदे आले आहे का, कोणी काय आले आहे। सगळे गरीब आहेत, चार पाच महिने झाले तर ना सगळे घरात आहेत ना, मग तसे आमच्या हे तरी करा ना। आम्ही घरातच राहतो, कोणा आम्हाला पुरवठा तरी करायचा, आणून पुरवठा आणला ज्याच्याकडून होते त्याले पुरवठा मरणाचे या लागले तर कोणतंही आहे आम्हाला सुविधा सांग, दाखवा कोणती आहे। तर आम्हाला सुविधा जर कोणती असली तर आम्ही चांगल्या पणाने घरातच राहतो। लॉकडाऊन आम्हाला फक्त सुविधा पाहिजे सर्वेले। अपनी बदहाली पर छाती कूट रहे गंगानगर, विट्ठल नगर और शंकर नगर के ये बेरोजगार और असहाय लोग प्रशासन से अनाज के पर्याप्त वितरण के साथ ही गंगानगर कंटेनमेंट जोन में लगी बैरिकेटिंग हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह संभाजीनगर से सटे काजीपुरा कंटेनमेंट जोन के नागरिक भी हैरान हैं। उन्हें न तो कोई बुनियादी सुविधाएं मयसर हो रही है और न ही उन तक प्रशासन द्वारा अनाज पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन लोगों से घर में रहने की सख्त ताकीद दे रहा है पर इनके हाथ में न काम है न घर में जीवनावश्यक सामान। ऐसे में इन बेबस लोगों का गुस्सा होना लाजमी बात है। दवा गोली सब है, दवा खाना भी है वहाँ पे, दवा गोली के लिए सब है, पुलिस भी है, सब है, शासन भी मदद कर रहा है। लेकिन गोर गरीब यहाँ पर छोटे तत्व के लोग है जो खेतों में काम करने वाले हैं, हथियार मनियार रोजंदारी से खाने वाले लोग है, कमाएंगे तो लेंगे तो खाएंगे। अब यहाँ 13 दिन से 14 दिन से लोग क्वारंटाइन में है, इनको कोई दुकान पर किराना दे रहा नहीं, सामान दे रहा नहीं, मदद नहीं आ रही, कोई शासन मदद नहीं कर रहा। इनके पास जो था वो खाली है। अब भूखमरी का टाइम आया, कोरोना से बाद में मरेंगे, भूखमरी से लोग पहले मर जाएंगे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, यहाँ का नेता लीडर सब छुपके बटे वाले है, शासन वाले भी नज़रअंदाज करे वाले है, उनके घर के अंदर चूल्हे नहीं सिलग रहे, गोर गरीब भूखे है, एक टाइम खा रहे एक टाइम भूखे रह रहे, और यहाँ पर आके कोई मदद करने वाला भी नहीं है और मदद ली जाके किसी को बोलने वाला भी नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन आँख मूंद और कान बंद कर बैठा है, प्रशासन ने अपने स्तर पर लोगों के मदद की हर संभव कोशिश करने में जुटा है। पर इतना जरूर है कि प्रशासन की कार्य प्रणाली में कुछ खामियां है, जैसे हाल फिलहाल सीलबंद हुए इलाकों में अनाज का वितरण, 3 हफ्तों से भी ज्यादा समय कंटेनमेंट जोन में तब्दील इलाकों की तुलना में पहले किया गया, कई जगहों पे बैरिकेटिंग भी हटाई गई, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद भी और सारे कोरोना पॉजिटिव मामले निगेटिव होने के बाद भी गंगानगर जैसे कंटेनमेंट जोन में प्रशासकीय सहूलतों में कोई बदलाव नहीं आया। कान्होबा पेट्रोल पंपा जवळील आणि घंटीबाबा परिसर हा लॉकडाऊन आपण प्रशासनानं किंवा शासनानं ओपन केलेला आहे,
परंतु आज ही आमच्या एरियामध्ये जे गरीब तबक्यातले लोक आहेत ते आज ही कामधंद्यापासून वंचित आहे। तरी आमची अशी विनंती आहे की तुम्ही आम्हाला कामधंदे देत नसाल तर कमीत कमी खा पियाचे दोन टाइमचं आम्हाला साधन उपलब्ध करून द्या किंवा आम्हाला मजुरी उपलब्ध करून द्या अशी सर्व नागरिकांची विनंती। गौरतलब है की गंगानगर और काजीपुर में कंटेनमेंट जोन में नागरिकों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह अपनी कार्य प्रणाली को दुरुस्त कर नागरिकों के समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करे ताकि कोरोना से लड़ने में लोग धैर्य से काम ले और प्रशासन को भूखे पेट नहीं बल्कि भरपेट सहयोग दे सके। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।